बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय सहित आरजेडी के तीन विधायकों ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। इन तीनों विधायकों ने आज जेडीयू की सदस्यता हासिल कर ली। चंद्रिका राय, फराज फातमी और पालीगंज के विधायक जयवर्धन यादव ने जेडीयू की सदस्यता हासिल कर ली है। इस दौरान मंत्री विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और मदन सहनी मौजूद रहे। तीनों विधायकों के पार्टी छोड़ने की बात बुधवार को ही सामने आ गई थी। इससे पहले ही आरजेडी के तीन विधायक महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी को पार्टी से निष्कासित किया गया था, जिन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया है। मैंने तीन दिन चार दिन पहले जब हमारे दो तीन विधायक राजद के यहाँ ज्वाइन कर रहे थे, उसके पहले उन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल ने उनको तीनों को निष्कासित करने का काम किया। कारण उन्होंने बताया इन लोग एंटी पार्टी एक्टिविटी में लगे हुए थे। एक वर्ष पूर्व मैं भी लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ने का काम किया और माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे उन्होंने ओपनली सामने खड़ा होकर के चार पांच हम लोगों के ऑफिशियल कैंडिडेट को विरोध करने का काम किया। जब समीक्षा की बैठक हो रही थी मैंने कहा कोई भी व्यक्ति हो चाहे किसी का बेटा हो उसको अधिकार नहीं है सब करने का और वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है, उसको कम से कम शो कॉज करके उसको कोई सजा देनी चाहिए। मगर विचित्र बात है इन तीनों ने कुछ नहीं किया मगर इनको सजा दी। खेत खेत खाए गधा अमार खाए इन दोनों विधायक लोग, तो गधा को ना पनिशमेंट पहले मिलना चाहिए था तब किसी और की बात होनी चाहिए थी। मगर ऐसा अन्याय हुआ उसको देखने के बाद इस तरह की बातें नहीं हो सकती। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, आज राष्ट्रीय जनता दल जो पहले की तरह थी गरीबों की पार्टी, आज गरीबों की पार्टी नहीं है। आप देख रहे होंगे किस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है। राज्यसभा का टिकट हो कहीं से चले आते हैं, मेडिकल कॉलेज के धनाढ्य लोग चले आते हैं और उनके लिए रेड कार्पेट वेलकम होता है। कहीं दिल्ली के व्यवसायी चले आते हैं और कितना पैसा खर्चा करने के बाद उनको रेड कार्पेट का वेलकम किया जाता है। गरीबों की वहां कोई कुछ नहीं है। जिन गरीबों ने उस पार्टी को खड़ा करने का काम किया आज वो मायूस है, देख रहे हैं किस तरह के कहीं से मुंबई से शरीफ आ जाते हैं और ऐसे लोगों को तरजीह दिया जाता है और जो पुराने कार्यकर्ता है उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे समय में इसको गरीबों की पार्टी नहीं कही जा सकती है, आज व्यावसायिक पार्टी बनकर रह गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी जिन्होंने आज इस 15 साल के अंदर जो भी काम किया है वो काबिले तारीफ, चाहे अल्पसंख्यक का मामला हो, चाहे अति पिछड़ा का मामला हो, दलित का मामला हो, अल्पसंख्यक अपर क्लास का मामला हो, सभी के लिए उन्होंने काम किया। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो डरा करके आप वोट लेने की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों को डरा करके वोट लेने की बात करते हैं, कृपया राष्ट्रीय जनता दल आज इससे मुक्ति पाइए। आज जो कहते हैं आप MY MY, यहाँ तो पूरा समाज आज जनता दल यूनाइटेड को जोड़ने जा रहा है। कोई समाज नहीं बचा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की आस्था की तरफ देख रहा है। आज आप बात करना चाहते हैं, चाहे नीतीश कुमार जी कास्टिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, करप्शन हो, जीरो टॉलरेंस अगर किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। आज आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, मैं तो चैलेंज करना चाहता हूँ क्या किया है। 15 साल पहले चले जाइए, अंधकार था, आज देखिए 15 साल के अंदर अल्पसंख्यकों के मुसलमानों के लिए क्या क्या काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आज चाहे मदरसा के अंदर अपग्रेडेशन का मामला हो, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी का मामला हो, आज चाहे जितने भी अल्पसंख्यक जिला स्कूल जितने भी स्कूल्स बन रहे हैं उसका मामला हो, सब में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। कहां 200 करोड़ का होता था बजट, आज 1000 करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की देन है। आज चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, यूथ का मामला हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आज बिहार तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आज सड़कें हो, बिजली हो, आज काम देखिए आप। और क्या है, मुझे क्यों निकाल दिया आपने? मैं तो राष्ट्रीय जनता दल को चैलेंज करना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं कि कितने बार मुझे निकालोगे। आप ही पत्रकार भाई लोग यहां मौजूद हैं, 6 महीने पहले जगदा बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैं इस पार्टी का सदस्य नहीं हूं, तो निष्कासित करने का मामला कहां से होता है? पहले मेरे पिताजी को निकाला, और निकालने का मकसद क्या था? सिर्फ और सिर्फ टिकट का जो बंटवारा हुआ वो किस बेसिस पे बंटवारा हुआ, किस तरीके से पैसों का पलटाधार हुआ, और आज वही हो रहा है। आज ये सिर्फ ये गरीबों की पार्टी नहीं रह गई है, ये पूंजीपतियों की पार्टी रह गई है। आज हर जगह टिकट जो हो रहा है वो बेचने का काम किया जा रहा है। अगर
एक्शन लेना ही है तो घर से लो तुम, जो तुम्हारे आपके जो बेटा है तेज प्रताप यादव, किस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट हर जगह खड़ा कर करके कहते पार्टी को हराने का काम किया, तो डिसिप्लिनरी एक्शन घर से नहीं होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन हम पे होगा। क्या कोई नोटिस दिया? मैं तो पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पार्टी से अब विदा ले रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की तरफ आस्था व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जब भी कर मैं उनके पास गया कभी उन्होंने ना नहीं किया, हमेशा विकास के बारे में काम किया और एक ही एजेंडा रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, बिहार को किस तरीके से आगे ले जाया जाए, बिहार को किस तरीके से विकास के रास्ते पे ले जाया जाए। मैं फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, मैं पार्टी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से निश्चित रूप से मैं शुरू से ही प्रभावित रहा हूँ, जिसको लोग नहीं है उनके विकास के कार्यक्रमों से, उनके कार्य करने की क्षमता से और उनके कार्य करने की शैली से, दोनों चीजों से मैं शुरू से ही 2015 से ही प्रभावित रहा हूँ, जब महागठबंधन की सरकार में वो थे और जब पुनः जब उन्होंने NDA के साथ सरकार बनाने का काम किया, दोनों ही समय जब हम पक्ष से विपक्ष में आ गए तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे यहाँ पर कभी कोई काम होगा। उनसे मैंने बार बार आग्रह किया कि जिस काम के लिए मैंने आग्रह किया और जिस बात को आगे बढ़ाई उसके ऊपर कार्रवाई हुई और विकास के कार्यों में आप मेरे क्षेत्र में देख सकते हैं 2015 की स्थिति पहले की स्थिति पे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो बाद की स्थिति उनके द्वारा किया गया कार्य मेरे लिए प्रेरणा है और उसी प्रेरणा के फलस्वरूप मैं आज जनता दल यू में ज्वाइन कर रहा हूँ।